झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य सह जिला परिषद सदस्य संजीव बेदिया ने 22 सितंबर को केरेडारी प्रखंड का दौरा कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उक्त दौरा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विनेश पासवान और संचालन चंद्रिका रजक ने किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजीव बेदिया ने कहा कि झारखंड में ओरिजिनल झारखंडी का सरकार है। झारखंड की जनता को तमाम सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसको पाने के लिए लड़कर अलग राज्य झारखंड बनाया गया है। केरेडारी प्रखंड की जनता का संवाद सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक गूंजेगी। केरेडारी से ज्ञान कुमार पासवान की रिपोर्ट। और आपने एक सवाल दाग दिया हमको कि जे केरेडारी में टाइफाइड का जांच भी होता था, वो बंद हो गया। अगर जांच सरकारी के अनुसार होता था, होगा, अगर जहां जरूरत पड़ेगा सिविल सर्जन का कहना पड़ेगा, चाहे जिसको कहना पड़ेगा, निश्चित तौर पर यहां के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए चाहे जिसके कहना पड़ेगा, सेक्रेटरी कहना पड़ेगा, डीसी को कहना पड़ेगा, सिविल सर्जन को कहना होगा, निश्चित तौर पर होगा। मैं इसके अगले सप्ताह मैं जाऊंगा और इस पर बात रखूंगा। सर, यहाँ विस्थापन की एक बहुत बड़ी मुद्दा है, ग्रामीणों को क्या कहेंगे? विस्थापन का मुद्दा पूरे विश्व में, पूरे भारत में और झारखंड में भी है, लेकिन अभी आदरणीय हमारे इस राज्य का जो मुखिया वो विस्थापित ही नेता है। और हमारा कहना है कि विस्थापित आपकी जमीन जा रही है, आपको सशक्त रहना पड़ेगा। आप दलालों के चक्कर में फंस जाते हो तो क्या नेता क्या करेगा, सरकार क्या करेगा? आपको एक लाइन में आपको ठीक रहना पड़ेगा। निश्चित रूप कोई भी सरकार, कोई भी बाहर से अगर कंपनी आएगी तो पहले आपसे परमिशन लेगा, तभी कोई जमीन बसा सकता है, नहीं बसा सकता है। सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सरकार का जो योजना अभी निकला है, हमारा जो सर अभी कहें ना कि 80,000 यहाँ आबादी है, यहाँ के लोग टेक्निकली ही नहीं जान रहा है। यहाँ MP MLA नौ साल अभी तीन बार लोग भरे हैं। और हम कहना चाहते हैं अगले दुर्गा पूजा के बाद जनता दरबार हमारा लगेगा यहाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी योजनाएं पर बात होगी। और हर मंगल को हम नेता यहाँ डिपूट करेंगे, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे लाल कार्ड हो, चाहे ऑनलाइन जमीन की मामला हो, सभी पर एक एक बिंदु पर होगा। और हमने अपने विधानसभा जैसे पतरातू, बड़का गांव, सभी जगह हम जनता दरबार, और दुर्गा पूजा के बाद यहाँ जनता दरबार लगेगा हर मंगल को। केरेडारी में झार भूमि का सेवा जो है नाइस इन पर लोड है, जिसके वजह से यहाँ पर जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन का काम रुका हुआ है। देखिए, अभी क्या है ना, उस पर तो हम बेसी नहीं कर सकते, हमको पूरी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी मिलेगा तो इस पर हम भी बात करेंगे आपसे।